निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। जय हिंद, मैं ललित खत्री और आज बात ट्रेन में सुरक्षा को लेकर। अगर आप ट्रेन में अकेले सफर कर रहे हैं और खासकर महिला यात्री तो ये खबर है आपके लिए। अगर आप ट्रेन में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आप 182 नंबर अर्थात 182 डायल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करने के लिए आपको किसी भी कोड को साथ में लगाने की जरूरत नहीं है। इसे आप डायरेक्ट किसी भी मोबाइल फोन या लैंडलाइन से डायल कर सकते हैं। आरपीएफ की इस सुविधा के तहत शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति की कॉल खत्म होते ही उसे शिकायत से संबंधित जानकारियों वाला एसएमएस भी भेजा जाएगा। इसमें शिकायतकर्ता को शिकायत नंबर दिया जाएगा ताकि भविष्य में वह उसका फॉलोअप कर सके। वहीं जब आप इस नंबर पर डायल कर कॉल करेंगे तो आरपीएफ के सिक्योरिटी स्टाफ के पास आपका कॉल पहुँच जाएगा और ये कॉल स्वतः ही उस डिविजनल रिस्पॉन्स सेंटर जो आपके सबसे पास है या जिस डिवीजन में आप हैं उसको तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, जिसके बाद आप उस सिक्योरिटी स्टाफ पर्सन को अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है आरपीएफ का सुरक्षा अभियान। आरपीएफ तुरंत क्लोज यूजर ग्रुप और वॉकी टॉकी की मदद से आपकी ट्रेन में सवार आरपीएफ जवान से संपर्क करेगी और उसे तुरंत आपकी सहायता के लिए भेज देगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आप कॉल पर मदद मांगेंगे तब आरपीएफ जवान आपसे कुछ जानकारी भी मांगता है, जिसमें ट्रेन का नंबर, कोच नंबर, बर्थ नंबर और आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है और इसी जानकारी के मुताबिक आरपीएफ आपको तुरंत मदद दे पाती है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर महिला कोच में कोई पुरुष एंट्री करता है तो महिलाओं को तुरंत 182 पे कॉल करें, क्योंकि हमारे देश में 182 पे कॉल करते ही इतना जल्दी एक्शन लिया जाता है, जो आपने अभी देखा है थोड़ी देर पहले कि कितना जल्दी एक्शन लिया जाता है, तो उसमें महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। जैसे हम कॉल करते हैं तो तुरंत वहाँ पे आरपीएफ, जीआरपी जो भी स्टाफ मौजूद होता है वो तुरंत महिला कोच को अटेंड करता है और उनके खिलाफ जो बैठे रहते हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेता है। मेरा नाम मंजू यादव है। ये अभियान चला जा रहा है जिसके तहत अपील भी की जा रही है कि जो सिक्योरिटी हेल्पलाइन 182 है इसके बारे में आम जन को पता हो, जिसमें यात्रा करने वाले जो भी यात्री हैं, चाहे वो पुरुष यात्री हो चाहे महिला यात्री हो, उनको कोई भी दिक्कत आती है वो इस हेल्पलाइन के माध्यम से आरपीएफ की मदद ले सकते हैं। आरपीएफ और जीआरपी दो होती हैं स्टेशन के ऊपर। अगर सिर्फ सिंपल 162 रेलवे का अगर कोई अपराध है, महिला कोच में अगर कोई यात्री कर रहा है तो उसमें आरपीएफ कार्रवाई करती है, अन्यथा अगर कोई मोलेस्टेशन का या किसी और अन्य धारा का कोई मामला बनता है तो आरपीएफ और जीआरपी दोनों अटेंड करती हैं। जो भी पहले फोर्स पहुंचती है वो संबंधित को सूचित कर देती है जिसका भी मामला होता है। और सर, आज रेलवे स्टेशन में जो आपने कैसे संदेश करी लोगों को? ये हमने लोगों को ये एक विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि आरपीएफ सदैव आपकी सुरक्षा में तत्पर है, आपकी जितनी भी ग्रीवांस से कंप्लेंट है उसके लिए राउंड द क्लॉक हमारे जवान लगे रहते हैं और आप बिल्कुल भय ना खाएं। यहाँ पे रेलवे में जो माँ बहन बेटियाँ हैं वो सुरक्षित सफ़र है उनका, और उनके लिए जो महिला कोच है, महिला प्रतीक्षालय हैं, वहाँ पे उनके कोई भी दिक्कत नहीं है। वो हमारी सीसीटीवी की नज़र में भी हैं लोकल, अगर अजमेर की बात करें तो। बाकी हर जगह हमारे स्टाफ जो नाइट जो बाउंड ट्रेन है उसमें एस्कॉर्टिंग चलती है तो उनको तुरंत मदद पहुँचेगी।